मुसाफिर तेरे ही घने बाग के सर सब दरख्तों के साए को ढूंढता है। वहां की ठंडी हवा खुशहलहान जानवरों की राग बहती नहरों की लहरें इसके दिल को राहत देती हैं, इसके मरे हुए ख्यालात को फिर से जिंदा करती हैं। तमाम फिक्रें दिल से दूर होती हैं और दूर दराज जमाने की ख्याली खुशियां सब आमौजूद होती हैं। इस चैप्टर के अंदर वही बात का जिक्र किया गया जो मैंने आपको पहले बताई है उम्मीद की खुशी के बारे में। उम्मीद से मुराद क्या है? खुशी। इसमें एक आदमी का जिक्र किया गया है जो बहुत ज्यादा गमगीन है, जो बहुत ज्यादा परेशान है अपनी जिंदगी से। वो जंगलों में भटकता हुआ एक मुसाफिर है जो साए को ढूंढ रहा है। एक मतलब यहाँ पे एक मुसाफिर की बात की जा रही है जो थका हुआ है, परेशान है, वो एक साए को ढूंढ रहा है। वहाँ की जो ठंडी हवाएं हैं, वहाँ की जो प्यारी आवाजें हैं जानवरों की, वहाँ जो जानवर खुश अलहान जानवर यानी खूबसूरत आवाजें जो जानवरों की होती है ना, खूबसूरत आवाज वाले जानवर उन्हें कहा जाता है, वहाँ की बहती लहरें उसके दिल को राहत देती है, उसके मरे हुए ख्यालात को फिर से जिंदा करती है, उसके अंदर एक नया जज्बा पैदा करती है। यानी अगर हमारे आसपास का माहौल बहुत ज़्यादा खुशगवार होता है तो हमारे अंदर भी खुशी खुद ब खुद आने लगती है, हम लोगों के अंदर खुद ब खुद जज्बा पैदा होता है। देख नादान बेबस बच्चा घवारे में सोता है, ए मुसीबत ज़दा माँ। देख नादान बेबस बच्चा घवारे में सोता है, इसकी मुसीबत ज़दा माँ अपने धंधे में लगी हुई है। यहाँ धंधे से क्या मुराद है? क्लास, धंधा यानी अपने काम में लगी हुई है। बच्चा घवारे में सोता है यानी उसका जो झूला है, उसकी जो पालकी है, उसमें वो क्या कर रहा है? सो रहा है। और इसकी घवारे की डोरी भी हिलाती जा रही है और उसकी झूले की डोरी भी क्या कर रही है? साथ साथ हिलाती जा रही है, काम भी कर रही है और साथ साथ हिलाती भी जा रही है। हाथ काम में और दिल बच्चे में है। हाथ जो है वो उसके काम में लगे हैं लेकिन उसका दिल कहाँ पर है? बच्चे के अंदर है। और जबान से इसको यूं लोरी देती है, और जबान से इसको क्या दे रही है? लोरी दे रही है। और मेरे दिल की ठंडक सोरे, ए मेरे दिल की कोपल सोरे, बड़ और फल फूल तुझ पर कभी फिजा ना आने पाए, तेरी टहनी में कोई खार कभी ना टूटे, कोई थकन घड़ी तुझको ना आवे, कोई मुसीबत जो तेरे माँ बाप ने भुगती तू ना देखे। क्या कह रही है वो अपने बच्चे से लोरी देते हुए कि बेटा सो जा, ये अपने बाप की मूरत यानी मूरत से क्या मुराद है? सूरत। मेरे दिल की ठंडक कोपल यहाँ पे कली को कहा जाता है, जो कली एक फूल की जो कली होती है, जो अभी तक फूल उसमें से निकला नहीं होता, उससे पहले वो एक कली होती है, उसे कहा जा रहा है, यहाँ पर कली को कहा जा रहा है। वो अपने बेटे से कह रही है तू फल फूल तुझ पर कभी फिजा ना आए, फिजा यानी मुरझाए हुआ जो मौसम आता है फिजा का, यानी कभी तुझ पे कोई परेशानी या मुसीबत ना आए, तेरी टहनी में कभी कोई खार ना टूटे यानी कभी तेरा दिल ना टूटे, यानी कभी तू टूटे नहीं, तू हमेशा कामयाब रहे अपनी जिंदगी के अंदर, कोई थकन घड़ी तुझको ना आवे, कोई थकन की घड़ी यानी कोई थकावट की घड़ी या तुझ पे कोई बुरा वक्त ना आए, तू हमेशा खुश रहे। वो मुसीबत जो तेरे माँ बाप ने भुगती है वो कभी तू ना सोरे मेरे बच्चे सोरे, मेरी आंखों के नूर और मेरे दिल के सुरूर, मेरे बच्चे सोरे। क्या बोल रही है वो अपने बेटे से? सो जा मेरे बच्चे, सो जा, मेरी आंखों के नूर, मेरे दिल के सुरूर, सो जा। तेरा मुखड़ा चांद से भी ज्यादा रोशन होगा, तेरी शोहरत, तेरी लियाकत, तेरी मोहब्बत जो तू हमसे करेगा। क्या कह रही है कि तेरा जो चेहरा होगा वो चांद से भी ज्यादा रोशन होगा। वो क्या कह रही है कि जो तेरी शोहरत होगी, तेरी कामयाबी होगी, वो हमारे दिल को क्या देगी? तसल्ली देगी। तेरा चांद सा मुखड़ा हमारे दिल को क्या देगा? तसल्ली देगा। तेरी हंसी हमारे अंधेरे घर का उजाला होगी, तेरी प्यारी प्यारी बातें हमारे गम को दूर करेंगी, तेरी आवाज हमारे लिए खुश आइन रंगीनियां होंगी। सोरे मेरे बच्चे सोरे। क्या कह रही है कि तेरी जो प्यारी प्यारी बातें होंगी, तेरी जो आवाज होगी, वो अपने बेटे की तारीफ करते हुए कह रही है
कि जो तेरी बातें होंगी, तेरी मुस्कुराहट होगी, तेरी आवाज होगी, वो हमारे दिल को तसल्ली देगी, सुकून देगी, हमें राहत देगी। ए मेरे उम्मीद, ए हमारी उम्मीद, उम्मीदों के पौधे सोरे, बोलो जब इस दुनिया में हम तुमसे जुदा हो जावेंगे तो तुम क्या करोगे। अब वो क्या बोल रही है अपने बेटे से, बताओ जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो तुम क्या करोगे। तुम हमारी बेजान लाश के पास खड़े होगे, क्या कह रही है वो, क्या तुम हमारी बेजान लाश के पास खड़े होगे। तुम पूछोगे और हम कुछ ना बोलेंगे, तुम हमारी बेजान लाश के पास खड़े होकर हमसे कुछ पूछोगे तो हम कुछ ना बोलेंगे। तुम रोगे और हम कुछ रहम ना करेंगे, तुम रोगे हम कुछ भी रहम नहीं करेंगे। ए मेरे प्यारे रोने वाले, तुम हमारे ढेर पर आकर हमारी रूह को खुश करोगे। ढेर यानी जब वो कब्र में मिल जाए, मिट्टी में मिल जाएंगे, ढेर हो जाएंगे कब्र के अंदर, तो तुम वहां आओगे तो तुम वहां आकर हमारी रूह को खुश करोगे। जब वो क्या कह रही, जब हम जिस दुनिया से चले जाएंगे तुम हमारी कब्र पर आओगे तो हमारे दिल को क्या मिलेगा, हमारी रूह को खुश करोगे, हमारे दिल को खुश करोगे। ए मेरे प्यारे रोने वाले, हम ना होंगे और तुम हमारी यादगारी में आंसू बहाओगे। क्या कह रही वो अपने बेटे से, हम नहीं होंगे और तुम हमारी यादगारी में आंसू बहाओगे। अपनी माँ का मोहब्बत भरा चेहरा, अपने बाप की नूरानी सूरत याद करोगी। क्या कह रही है, हमें याद करोगे, तुम अपनी माँ का मोहब्बत भरा चेहरा, अपने बाप की नूरानी सूरत को याद करोगे हमारे जाने के बाद। आह हमको यही रंज है उस वक्त हमारी मोहब्बत याद कर तुम रंजीदा होगे। सोरे मेरे बच्चे सोरे मेरे बाले सोरे। इसमें वो क्या कह रही है कि जब, इसमें उसने ये भी बताया है कि जब हम मर जाएंगे तब तुम हमें याद करोगे, लेकिन तब भी हमें खुशी होगी मरने के बाद भी, अगर हम तुम्हें कामयाब देखेंगे, तुम्हें खुश देखेंगे। ये उम्मीद की खुशी माँ को उस वक्त थी जब बच्चा गूंगा भी नहीं कर सकता था। ये उम्मीद की खुशी उस माँ को कब थी जब बच्चा गूंगा भी नहीं कर सकता था, यानी चूचा कुछ बोल भी नहीं सकता था, तब उस माँ को उस बच्चे से इतनी उम्मीदें थी, इतनी उस उम्मीद की खुशी थी। मगर जब वो जरा और बड़ा हुआ और मासूम हंसी से अपनी माँ के दिल को शाद करने लगा और अम्मा अम्मा कहना सीखा, इसकी प्यारी आवाज अधूरे लफ्जों में इसकी माँ के कान में पहुंचने लगी। क्या कह रही है कि जब वो थोड़ा और बड़ा हुआ, अम्मा अम्मा कहने लगा, तो उसके जो आवाज थी, अधूरे अल्फाज थे, वो इसकी माँ के कानों तक पहुंचने लगे और इसके माँ के दिल को सुकून देने लगे। उसकी उम्मीदें और बढ़ गई उस बच्चे से। आंसुओं से अपनी माँ की आतिश मोहब्बत को भड़काने के काबिल हुआ, यानी जब बच्चा रोता है तो हमारे जो उसकी माँ थी उसका दिल भड़क उठता था अपने बच्चे को रोता देखकर, उसकी मोहब्बत और बढ़ जाती थी कि मेरा बच्चा रो रहा है। फिर मकतब से इसका सरोकार पड़ा, मकतब यानी मदरसे से, फिर वो मदरसे जाने के काबिल हुआ। रात को अपनी माँ के सामने दिन का पड़ा हुआ सबक गम ज़्यादा दिल से सुनाने लगा और जब वो तारों की छाँव में उठकर अपने हाथ मुंह धोकर अपने माँ बाप के साथ सुबह की नमाज में खड़ा होने लगा। जब वो बच्चा इतना बोलने के काबिल हो गया कि अपना दुख गम खुशी अपनी माँ के साथ रात को बताने लगा, अपना सबक बताने लगा, और जब वो नमाज पढ़ने के काबिल हो गया, यानी चलने फिरने के काबिल हो गया, हाथ नमाज पढ़ने लगा, अपने बेगुना दिल बेगुना जबान क्लास टेन बेदया ख्याल से खुदा का नाम पुकारने लगा, तो उम्मीद की खुशियां और किस कदर ज्यादा हो गई। जाहिर सी बात है, जब बच्चा अल्लाह ताला से दुआ करेगा और वो जब अपने बच्चे को इस तरीके से देखते कि वो इतना बड़ा हो गया, उनकी उम्मीदों पर खरा उतर रहा है, बड़ा हो रहा है, अच्छा पढ़ रहा है, कामयाब हो रहा है, तो और उनको खुशी क्या, और उनके लिए उस चीज़ की खुशी क्या होगी। उसके माँ बाप इस मासूम
सीने से सच्ची हमदर्दी देखकर कितने खुश होते हैं। आ हमारी प्यारी उम्मीद तू ही है जो मौत से लाहत तक हमारे साथ रहती है। क्या कह रहे हैं कि एक उम्मीद ही तो है हमारी कि जो शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ रहती है। वो माँ बाप उस बच्चे से कितनी उम्मीदें लगाए बैठे कि जब ये बच्चा बड़ा होगा, शुरू से जब वो पैदा हुआ, जब वो गूंगा भी नहीं कर सकता था, तब से लेके उन्होंने उससे उम्मीदें लगा रखी है कि जब वो बड़ा होगा तो हमें वो हमारे लिए भी हमें खुशी देगा, हमारा अच्छा वक्त लेकर आएगा। देख वो बेगुनाह कैदी अंधेरे कुएं में सात तहखानों में बंद है, इसका सूरज का सा चमकने वाला चेहरा जर्द है। बे यारो दयार खैर कौम गैर मजहब के लोगों के हाथों में कैद है। भटके बाप का गम इसकी रूह को सदमा पहुंचाता है। कैद खाने की मुसीबत इसकी तन्हाई, इसका गहरा अंधेरा और इसकी अपनी बेगुनाही का ख्याल इसको निहायत ही रंजीदा रखता है। उस वक्त कोई इसका साथ नहीं है मगर ए ए हमेशा जिंदा रहने वाली उम्मीद तुझी में इसकी खुशी है।